लोग का न्यूज ऑफ द डे में मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूं आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों वर्ल्ड कप हारने के बाद अब टीम इंडिया के लिए एक और मुश्किल सामने में है, वो है राहुल द्रविड़ के बाद कोच हेड कोच कौन होगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ 2 साल का उनका जो पीरियड था वो समाप्त हो चुका है वर्ल्ड कप के साथ ही। अब BVS लक्ष्मण या फिर अनिल कुंबले या फिर वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, ये सारे कंटेंडर हैं, बताएंगे सबके बारे में। और क्या राहुल द्रविड़ दोबारा से टीम इंडिया का कोच बनना चाहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। बने रहिए वीडियो में, बाकी सारा कुछ डिटेल्स बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। राहुल द्रविड़ के बाद हेड कोच कौन, सबसे ऊपर नाम जिसका चल रहा है वो है BVS लक्ष्मण, फिर वीरेंद्र सहवाग और तमाम नाम है, हो सकता है इनके अलावा भी कोई और नाम हो, उस पर बात करेंगे। दोस्तों राहुल द्रविड़ के बाद टीम इंडिया का हेड कोच कौन, लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है BVS लक्ष्मण। भारतीय टीम को ICC वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली है। इसके खिताबी हार के बाद दिग्गज राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर कार्यकाल भी खत्म हो गया है। अब माना जा रहा है कि राहुल द्रविड़ फिर से अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे में उनका विकल्प भी एक तरीके से खोजा जा रहा है। कौन होगा अगला हेड कोच? राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में टीम इंडिया कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई, इसे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप और वनडे विश्व कप के फाइनल में हार झेलनी पड़ी। अब द्रविड़ का कार्यकाल भी खत्म हो गया है, ऐसे में देखना है कि आखिर में कौन इनका जगह लेगा। राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने के मूड में खुद राहुल द्रविड़ ही नहीं है। राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया के साथ कोचिंग का कार्यकाल 2 साल के लिए था। लक्ष्मण को मिल सकती है जिम्मेवारी, सबसे पहला कंटेंडर जो है वो BVS लक्ष्मण है। द्रविड़ के बाद टीम इंडिया का हेड कोच की जिम्मेवारी अब BVS लक्ष्मण को सौंपी जा सकती है। लक्ष्मण इस समय टीम इंडिया के साथ ही है। भारतीय टीम 23 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच के T20 सीरीज खेलेगी, जहां लक्ष्मण बतौर कोच उनके साथ हैं। लक्ष्मण बेंगलोर स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी के डायरेक्टर की जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं, वहाँ नए लड़कों को ट्रेन करते हैं और मतलब नई जो जनरेशन के क्रिकेटर आते हैं उनका वो कोचिंग देते हैं। मूड में नहीं है राहुल द्रविड़, जैसा कि मैंने बताया कि राहुल द्रविड़ कार्यकाल को आगे बढ़ाने के खुद ही मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने तमाम ट्रॉफी गंवाई है और उन पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रहा है। तो सबसे पहला नाम जो है वो BVS लक्ष्मण। इस समय लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकेडमी में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और कुछ मौके पर टीम इंडिया के साथ कोच के रूप में काम संभाल भी चुके हैं। इसके अलावा IPL में सनराइजर हैदराबाद के मेंटोर के तौर पर उन्हें उनको कोच की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। अनुभव को देखते हुए लक्ष्मण को कोच बनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरे कंटेंडर हैं अनिल कुंबले। हालांकि अनिल कुंबले कोच के तौर पर भारतीय टीम के साथ काम कर चुके हैं और विराट कोहली से उनका अनबन के कारण उनको कोच छोड़ना पड़ा था और वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से भी काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे। तीसरा है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने IPL में पंजाब किंग्स को भी कोचिंग दी, उसके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का लंबा अनुभव है उनके पास, और 2017 में उनको कोच बनाया जा सकता था, आवेदन भी किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी और सहवाग की आक्रामक शैली की वजह से टीम इंडिया को फायदा भी मिल सकता है। तो वीरेंद्र सहवाग भी एक बड़ा कंटेंडर है। उसके बाद बात करें जहीर खान। नई और पुरानी दोनों तरफ की गेंदों से स्विंग कराने वाले बल्लेबाजों को बुरा सपना कहने वाले जहीर खान IPL में मुंबई इंडियंस के साथ कोचिंग का लंबा अनुभव रहा है, वो भी टीम इंडिया के लिए एक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और आखिर में बात करें आशीष नेहरा जी। आशीष नेहरा का नाम मशहूर। आशीष नेहरा की कोचिंग में गुजरात टाइटंस ने एक बार IPL का खिताब भी जीता, दूसरी बार रनअप रहे। IPL में RCB के लिए 2 सीजन नेहरा ने कोचिंग किया, हालांकि दावेदार के रूप में उन्हें सबसे नीचे देखा जा रहा है, पर वो भी एक अच्छे कंटेंडर है। तो दोस्तों इनमें से कोई हो सकता है या फिर कोई बाहर से आएगा कोचिंग, इंटरनेशनल कोच होंगे या फिर अपने ही देश में खोजा जाएगा, इस पर बात अभी कुछ बनी नहीं है। पर BVS लक्ष्मण अभी कोच के रूप में टीम इंडिया के साथ हैं और माना जा रहा है कि BVS लक्ष्मण ही दूसरे कोच हो सकते हैं टीम इंडिया के। तो दोस्तों आपका क्या राय है, कौन होगा टीम इंडिया का कोच इन 5ों में से, आप जरूर बताइए कमेंट में। अच्छा लगता है मेरा वीडियो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक और लाइक कीजिए जरूर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इस तरीके का वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।